नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन एक गुजर रही है और ऐसे में एक और दुखद हादसा हुआ है। हालांकि ट्रेन से कटने के जो मामले हैं वो बहुत कम ज़रूर हुए हैं, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं जागरूक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अपने आप में एक परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। परिवार इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि करनाल की GRP पुलिस ने इन्हें जानकारी दी के परिवार के सदस्य जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर, ये बता रहे हैं 100 साल से भी ऊपर। और ऐसे में आप ये समझिए कि 100 साल का जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो अपने आप में चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, शुद्ध वो इंसान खो देता है। और ऐसे में जो ये परिवार के सदस्य बता रहे हैं उनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर, पतलू राम वो नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि घरोंडा के रहने वाले। और ऐसे में देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी, होता क्या है, अब इधर से भी कोई ट्रेन हालांकि आ सकती है लेकिन लोग अपना समय बचाने के लिए इन पटरियों से गुजरते हैं, इन रेलवे ट्रैक से गुजरते हैं ताकि उनका समय बच जाए। और ऐसे में ही कोई बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि परिवार के जो लोग हैं उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। घरोंडा के बता रहे हैं कि ये रहने वाले हैं और हसनपुर जो फाटक है वहां पर कटने की वजह से, ट्रेन के आगे आने की वजह से जो 100 साल के पतलू राम है उनकी मौत बताई जा रही है। और ऐसे में जो परिवार के सदस्य वो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्टोंडी के रहने वाले आप जी, किस किस कारण से यहाँ पर पहुंचे, क्या आपको जानकारी मिली थी? सुबह SHO GRP करनाल का फोन गया था, सुबह आया था। हाँ सुबह जी, हाँ सुबह कोई लगभग 9 बजे के आसपास कहने लगे आपका गांव का है पतलू राम, उसकी असमपुर के पास। कौन है ये पतलू राम, क्या उम्र और आप कौन लगते हैं उनके? मैं पड़ोसी हूँ, अक्सरपुर गाँव का जी, अक्सर पंचायत। हाँ, तो पड़ोस में रहते हैं? बिल्कुल पड़ोस में जी। क्या उम्र क्या थी? उम्र 100 साल से ज्यादा थी। 100 साल से भी ज्यादा की उम्र थी? हाँ, 102 साल के आसपास थी। ट्रेन से कटने की वजह से? हाँ, ट्रेन के कटने की वजह से, ऐसे ही बताया जी पुलिस ने हमसे। तो क्या चल लेते थे अच्छे से? क्योंकि 100 साल चलते फिरते थे। क्या लगता है फाटक से तो आगे भी गुजरते होंगे लेकिन कल ऐसा क्या? बस शायद नजर ना पड़ी हो ट्रेन पे जी। कल कितने बजे का हादसा? कल का पुलिस ने बताया कल शाम 6 बजे का। 6 बजे का कोई ट्रेन वगैरह, कौन सी ट्रेन थी? कुछ नहीं, ऐसी इतनी, इतनी, नहीं, कहां से कहां जाती है ट्रेन? नहीं, नहीं, उसका कुछ नहीं पता। बस ट्रेन शायद दिखाई नहीं दी हो जी, शायद दिखाई ना दी हो, आवाज ना आई हो जी। क्योंकि 100 साल की जब किसी इंसान की उम्र हो जाती है तो सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाती है, शुद्ध इंसान खो देता है। और ऐसे में हो सकता है कि नजरें, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि सुनने की शक्ति कम हो जाती है तो नजरें भी काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। और हो सकता है उन्हें ट्रेन दिखाई ना दी हो, आवाज सुनाई ना दी हो। और ऐसे में जो एक सरपंच है गाँव के वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और भी जो परिवार के सदस्य हैं, आप उनके परिवार के सदस्य में से हैं? आप बेटे हैं उनके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेर सिंह जी। पिता का नाम क्या था आपका? पतलू राम जी। कितने वर्ष के थे ये? 100 साल के लगभग था। 100 साल के? हाँ। तो रोजाना आना जाना था घर से बाहर? नहीं जी, आऊँ तो डेली घूमता 5-7 किलोमीटर का। मानसिक तौर पर स्वस्थ है अभी? आज बिल्कुल ठीक था। मेरे पति जा रहे थे वहाँ करोंडा, उसके पास जा रहा था। कल जा रहे थे? नहीं, 4 दिन पहले उसके पास जा रहे थे। यानी उनके तो पोते लगे रिश्ते में? हाँ जी, उनके पास जा रहे थे। वैसे खुद पैदल आते जाते थे? हाँ, किसी ने हाथ भी दे लेते थे मोटरसाइकिल जाता था। हसनपुर फाटक आप बता रहे, कितनी दूर है आपके घर से? ये फोटो हमारे घर से, ये फोटो है, ये आप देख लीजिए, घर के अंदर हुक्का पीते हुए की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और घर के बुजुर्ग हैं ऐसे में, और जान चली गई है। हालांकि वर्ष की अगर मैं बात करूं 100 साल, लेकिन बच्चों के लिए उनके माँ बाप हमेशा बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। चाहे माँ बाप के लिए बच्चों की बात करें या फिर बच्चों के लिए माँ बाप की बात करें, उम्र कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि बच्चों के लिए भी माँ बाप बड़े ज़रूरी होते हैं। हाँ जी, होते हैं। याद आएगी पिताजी की? हाँ, बहुत ज़्यादा याद आई। कल दुख तो हुआ होगा कि इस तरीके से मौत हुई? हाँ, बहुत बड़े तरीके बात हुई, मर गई, बड़ी हुआ जी। वैसे अच्छे से बात करते थे घर में? हाँ, बहुत बढ़िया बात करते थे जी, बहुत बढ़िया बात करते थे। कितने कितने बच्चे वगैरह? घरोंडा रहता था, उसके पास आते जाते रहते थे। घरोंडा आते जाते रहते हैं। उसके पोते के पास कल नुआ दुआ कल 7 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर लेते थे, पैदल ही तय कर लेते थे। दो चक्कर लगा देता था जी, डेली दो चक्कर लगा देते थे पैदल। थोड़ा माइंड वीकनेस हो रही थी, नजर भी कम थी जी, थोड़ी सुनने की दिखाई और सुनाई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, फाटक क्रॉस करते हुए जी, ये तो ऐसे निकल रहा था जी, पोते के पास से निकल गया। मैं तो गांव जाऊँ, थोड़ा आउटसाइड निकल गया जी।
तो माइंड में थोड़ी वीकनेस सी आ रही थी जी। तो माइंड में थोड़ी वीकनेस थी, फाटक क्रॉस करते हुए एक बड़ा हादसा हो गया और करनाल के रेलवे स्टेशन की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए करनाल के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और ऐसे में स्टोंडी के ये रहने वाले हैं, घरोंडा और जो स्टोंडी है उसके बीच में पड़ता है हसनपुर फाटक, और ऐसे में फाटक ही क्रॉस कर रहे थे, घरोंडा बताया जा रहा है, अपने पोते के पास यानी अपने बेटे के पास वो जा रहे थे मिलने के लिए, अक्सर जाया करते थे। 7 किलोमीटर का सफर तो वो पैदल ही तय कर लिया करते थे, और ऐसे में ये एक सीख भी है आजकल के युवाओं के लिए जो ज़्यादा यानी कि चलना पसंद नहीं करते, और ऐसे में बुजुर्ग होकर भी वो इतना चलते थे। लेकिन कल दिन बहुत बुरा था उनके लिए, कल ट्रेन से कटने की वजह से उनकी मौत हो गई। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। करनाल की GRP पुलिस ने कल परिवार यानी आज सुबह परिवार के लोगों को जानकारी दी, क्योंकि कल तो 6 बजे ये मामला ही सामने आता है और काफ़ी टाइम लग जाता है देखिए पता लगाने में कि जो जिनकी मौत हुई है, जो इस हादसे का शिकार हो गए, उनके परिवार वाले कौन हैं, कहाँ के रहने वाले। लेकिन पुलिस से हालांकि हमारी बातचीत ज़रूर हुई थी, पुलिस ने यही हमें जानकारी दी कि जो ये पतलू राम थे उनकी शायद जेब में कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ था जिससे पता लगा कि वो कहाँ के रहने वाले और उनका नाम क्या है, जिससे उनके परिवार तक पहुँचा जा सका। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। IBN 24 इस तरीके की खबर आपको इस वजह से दिखाता है ताकि आप लोग जागरूक जरूर रहें। करनाल के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, पुल आप लोगों के लिए देखिए हर रेलवे स्टेशन पर बने होते हैं, और ऐसे में अपना समय बचाने के लिए, महज अपना समय बचाने के लिए इन रेलवे ट्रैक को कभी भी पार ना करें। ये देखिए किस तरीके से बच्चों के साथ लोग इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं, और कई बार क्या होता है ये जो ट्रैक होते हैं ये लॉक भी हो जाते हैं, आपका पैर कई बार फंस जाता है या फिर अचानक से अगर आप गिर जाएं तो इन पत्थरों के बीच में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इससे पहले कि कोई आकर आपको बचा पाए आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। करनाल के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जितना मर्जी लोगों को जागरूक कर लिया जाए, लोगों ने रेलवे ट्रैक इसी तरीके से पार करना है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और यहाँ के लोग बहुत कम हैं जो जागरूक हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।